देश के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। जयंती के अवसर पर देश के कई दिग्गज उन्हें सलाम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट के जरिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन। एक विजनरी लीडर, भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम को गढ़ने वाले, जो हमेशा ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सभी के लिए प्रेरणादायी है। तो वही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धांजलि 21वीं सदी के भारत को समर्थ और सक्षम बनाने में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके आदर्श और अनमोल विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। आपको बता दें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे और उन्हें देश के कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण शामिल है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।